और यूपी समेत 4 राज्यों में एनआईए की छापेमारी की जा रही है। नक्सली गतिविधियों से जुड़े केस पर यह छापेमारी चल रही है। 2023 में लखनऊ जोनल दफ्तर में दर्ज हुआ था केस। नक्सल गतिविधियों से जुड़े इनपुट भी अब दर्ज किए गए हैं केस में। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर यूपी समेत 4 राज्यों में एनआईए की छापेमारी की गई है। नक्सली गतिविधियों को देखते हुए ये छापेमारी की जा रही है। 2023 में लखनऊ जोनल दफ्तर में एक मामला दर्ज हुआ था नक्सल गतिविधियों को लेकर, और इसी से जुड़े इनपुट के आधार पर अब केस दर्ज किया गया है और साथ ही साथ इस वक्त छापेमारी भी चल रही है। तो यूपी समेत 4 राज्यों में एनआईए की छापेमारी इस वक्त चल रही है। बातचीत करने के लिए शंकर इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। शंकर, क्या जानकारी मिल रही है इसे लेकर? देखिए, इस वक्त में केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा एक बड़ी सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और अगर ऑपरेशन की बात करें तो ये मामला जो है नक्सल गतिविधियों से जुड़े हुए संदिग्ध कार्रवाई के खिलाफ है। जिस तरह से पिछले साल में एनआईए के लखनऊ स्थित जो जोनल दफ्तर है वहां पर एक केस रजिस्टर किया गया था और इस मामले में जानकारी मिली थी कि उसका बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर में कुछ नक्सली गतिविधियां जो है वो चल रही हैं। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अगर इलाके की बात करें तो बलिया इलाका जो है वहां पर काफी संदिग्ध गतिविधियां देखी गई थी और जिसका एक असर जो है उत्तर प्रदेश और बिहार में भी अच्छा खासा हो रहा था। तो इस मामले पर पिछले साल ही इस केस को रजिस्टर किया गया था और इस साल 6 अप्रैल को एक बड़े सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, जिसमें कि बलिया के ही तकरीबन 11 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था और कई नक्सलियों से जुड़ा हुआ एक जो मूवमेंट्स हैं उसके बारे में जानकारी मिली थी कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से बिहार से सटा हुआ जो इलाका है वहां पर एक बड़े साजिश को अंजाम देने की तैयारी की जा रही थी। लेकिन इस मामले पर जिस तरह से केंद्रीय खुफिया एजेंसी आईबी और केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा इस मामले पर आगे इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ाया गया और कई महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा किया गया। हालांकि जो सबसे पहला जो एक्शन लिया गया था वो उत्तर प्रदेश पुलिस की एटीएस के द्वारा इस मामले का खुलासा किया गया था और उस वक्त में जो तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया था यूपी एटीएस के द्वारा, तो उस वक्त में पता चला था कि कितना बड़ा ये ऑपरेशन है और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पिछले साल 2023 में इस केस को एनआईए के द्वारा टेक ओवर किया गया और इस मामले पर तफ्तीश का दायरा बढ़ाया गया। कि नक्सली गतिविधि हो रही है, उसे लेकर जगह जगह पर छापेमारी की जा रही है क्योंकि कुछ इसमें क्लू भी मिले हैं और इसी के आधार पर इस छापेमारी को अंजाम दिया जा रहा है एनआईए की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शंकर हमारे साथ जुड़ने के। और उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही भर्ती परीक्षा का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर 30 और 31 अगस्त को होगा। परीक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुबह 10 से 12 और दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक 2 पालियों में सिपाही भर्ती परीक्षा होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाहियों के 60,244 पदों के लिए 48 लाख से अधिक युवाओं ने आवेदन किया था। सख्ती के चलते पहले चरण में हुई परीक्षा में करीब 30% कैंडिडेट परीक्षा छोड़ चुके हैं। अब तक 29 मुकदमे इस पूरे मामले को लेकर दर्ज हो भी चुके हैं। साथ ही 3 सिपाही समेत 34 सिपाही अब तक लोग भी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। बहुत अच्छा। आपको लगता है कि ये होनी चाहिए क्योंकि एक परीक्षार्थी का भविष्य होता है। एक आदमी गलती करता है, एक मुन्ना भाई गलती करता है, भोगना सबको पड़ता है, तो इसलिए बहुत सफर करना पड़ गया था पिछली बार भी एग्जाम देने के बाद भी। तो इस बार आपको लग रहा है कि सब सही हो? कितनी दिक्कत होती है जब कोई ऐसा मुन्ना भाई कोई ऐसी जिसकी वजह से परीक्षा निरस्त हो जाती है, कितना दिक्कत होती है, सफर करना पड़ता है। आप कब आए हैं वहाँ, कहाँ से आए हैं? सर, इलाहाबाद। तो आप कब आए? रात में आ गए? रात में 3 बजे। तो स्टेशन पर रहे होंगे? स्टेशन पर रुके पूरी रात। हाँ सर, फिर यहाँ 6-6:30 बजे तक यहाँ आके वेट कर रहे थे। तो ऐसे ही परीक्षार्थियों के लिए सरकार ने ये सुरक्षा घेरा किया है, ये व्यवस्था की है ताकि जो परीक्षार्थी देर रात आ गए यहाँ पर स्टेशन पर पूरी रात रुके रहे, अब परीक्षा देने पहुंचे, उनके लिए ये परीक्षा बेहतर हो और उनके भविष्य पर कोई भी नकल माफिया कोई भी मुन्ना भाई सेंध ना लगा सके, इसलिए ये कोशिश है। कमिश्नर पंकज सिन्हा, उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज 18, वाराणसी। अब की बार तो नहीं लीक होगा, अगर लीक भी होगा तो रिजल्ट का फाइनल आएगा। तो बाकी सुरक्षा है हमारे, देखिए पुलिसकर्मी सब लोग सुरक्षा में खड़े हुए हैं। ठीक है। 3 लेयर की सिक्योरिटी चेक है, उसके बाद में एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। 3 दिन का एग्जाम हो चुका है, 2 दिन का बाकी है। क्या अभी तक फीडबैक मिला है लोग जो एग्जाम दे चुके हैं? मैम अच्छा लग रहा है, अच्छा है, मतलब यहाँ का बहुत चाक चौबंद अच्छा है,
मैम इससे कुछ तो प्रॉब्लम नहीं हुआ अभी तक, अब आगे जो होगा अभी हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन अब कुछ नहीं हुआ मैम, अब लीक नहीं होगा। ठीक है, क्या नाम है आप? संतोष कुमार। कहाँ से आए हैं? अमेठी से। अच्छा, इस बार की जो सुरक्षा इंतजाम है उनको लेकर क्या कहना है? मैम बहुत अच्छे सुरक्षा की गई है यहाँ पर। आपकी एग्जाम की तैयारी है? जी मैम। इस बार जो स्टूडेंट्स हैं उनका रेशियो भी कम हो गया, 30% अभी तक जो एग्जाम हुए हैं 30% से ज्यादा लोग हैं जो एग्जाम छोड़ चुके हैं, तो अब की लग रहा है कि चांसेस ज्यादा है? जी मैम, बहुत बच्चे भी एग्जाम छोड़ चुके हैं इसमें भी। एकदम बस सर्विस फ्री थी, कोई पैसा नहीं लिया गया। और सीतापुर में बाघ की दहशत है। बाघ अपने परिवार के साथ कठीना नदी के किनारे जंगल में देखा जा रहा था, लेकिन हाल के दिनों में बाघ ग्रामीण इलाकों में भी आ जा रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में दहशत है। ग्रामीण बहुत जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। ग्रामीण समूह के साथ हाथों में लाठी डंडे लेकर शोर मचाते हुए निकल रहे हैं। वहीं छात्र छात्राओं ने स्कूल जाना बंद कर दिया है। वन विभाग के अधिकारी बाघ को जल्दी पकड़ने का दावा कर रहे हैं। बाघ ने अब तक 15 मवेशियों को अपना निवाला बना लिया है। मोहली रेंज के अंतर्गत कुछ गांवों में बाघों की आवाजाही रह रही है और हमारी टीम लगातार उसको मॉनिटर कर रही है। जो NTC के प्रोटोकॉल कहता है कि जिस तरह से हमें कार्रवाई करनी चाहिए, उस तरह से हम कार्रवाई कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल NTC का प्रोटोकॉल कहता है कि आप बाघ को आइडेंटिफाई के लिए कौन सा बाघ है, क्या उसकी मूवमेंट है, कैसे है, तो उसके लिए हमने कैमरे टैप लगा रखे हैं। हमने दुधवा से बायोलॉजिस्ट बुलाए हैं जो उसकी बिहेवियर को समझेंगे, किस तरह से बिहेवियर है और क्या उसकी उम्र है, क्या उसका जेंडर है, उसके अकॉर्डिंगली हम कार्रवाई कर रहे हैं। और देवरिया में एक बेहद ही चौंकाने वाली खबर सामने आई। यहां पर एक 12 साल के लड़के की मौत हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि उसकी मौत बकरी के काटने से हुई। क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं। अब तक कुत्ते के काटने से मौत के बारे में सुना है, लेकिन क्या बकरी का काटना भी किसी की मौत की वजह बन सकती है? देवरिया से ये बेहद ही चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां दावा किया जा रहा है कि 12 साल के लड़के की मौत बकरी के काटने से हो गई। ये देवरिया का भलुआ गांव है, जहां चौथी कक्षा के छात्र हिमांशु कुमार की मौत के बाद हड़कंप मचा हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस बकरी ने हिमांशु को काटा था, उस बकरी को पहले कुत्ते ने काट लिया था, जिसकी वजह से बकरी को रेबीज हो गया और कुछ दिन बाद उसकी मौत हो गई। बकरी की मौत से पहले हिमांशु उसे खाना खिलाने गया था, तो उसी दौरान बकरी ने भी उसे काट लिया। ग्रामीण यही कह रहे हैं कि बकरी के काटने की वजह से हिमांशु के शरीर में इन्फेक्शन फैला, जिससे उसकी जान नहीं बच पाई। हमारे पास गाड़ी है, मैं अपनी गाड़ी से उनको ट्रीटमेंट कराने के लिए हमको फोन किया गया, तो मैं गाड़ी लेके गया अपना, उनको जो है सदर हॉस्पिटल में एडमिट किया। उसके बाद करने के बाद उनको जो है वो बता रहे थे कि पीलिया हुआ है और लीवर इंफेक्शन है। वहीं जब घर वालों से बात की गई तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उनके मुताबिक हिमांशु को पीलिया हो गया था, उसका इलाज चल रहा था। तबीयत बिगड़ने पर पहले देवरिया मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज कराया गया, लेकिन जब कोई सुधार नहीं हुआ तो बाद में उसे गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। परिजन ये भी कह रहे हैं कि घर के दूसरे सदस्यों को भी बकरी काट चुकी थी, लेकिन सभी पूरी तरह स्वस्थ हैं। आपके भाई ने आपको, आपके परिवार में किसको किसको काटा है? हमको काटा और मम्मी को। उनकी क्या स्थिति है? मम्मी ठीक है, हम भी ठीक हैं। है कि मतलब दिमाग की स्थिति गड़बड़ हो गई थी क्या? हाँ, जॉन्डिस था ना, इसलिए बता। कैसे जानकारी हुई कि जॉन्डिस है, कैसे मालूम हुआ? अरे वो डॉक्टर से पूछ रहे तो ब्लड टेस्ट करवाए थे। कितने दिन बाद दवा चल रहा था तो बोले थे ठीक है, और अचानक से 2 दिन में ज्यादा तबीयत खराब हो गया था। किस चीज का दवा चल रहा था पहले से? पी लिया था। हिमांशु की मौत से जहां उसका परिवार बेहद दुखी है, तो वहीं लोग इसके पीछे की वजह बकरी को मान रहे हैं। फिलहाल इस घटना की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। देवरिया से न्यूज 18 के लिए उमा शंकर भट्ट की रिपोर्ट।